होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीचंद पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए लगभग कई पिछले 2-2.5 साल से बताते आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, किसी भी प्रकार के वार्ट्स हो रहे हैं, वार्ट्स के ऊपर मैं आपको 5 मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। आज 5 टॉप मोस्ट 5 मेडिसिन बता रहा हूँ, जिससे हर प्रकार के वार्ट्स जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। वार्ट्स, सबसे पहले वार्ट्स होता क्यों है? अपने आप में एक वायरस है। जिंदगी में हर एक को अपनी लाइफ में वार्ट्स जो मस्से हैं सबको होते ही होते हैं, और बाकी जो कई प्रकार के वार्ट्स होते हैं एक दूसरे को फैलते भी हैं, अगर ब्लड निकलने से एक दूसरे को फैलते भी हैं। उसी के लिए मैं आपको आज 5 मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिनके अलग अलग सिम्टम हैं। आप अपने सिम्टम के आधार पर जो मेडिसिन आपको सूट करे वो मेडिसिन आप ले लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीचंद पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए लगभग कई पिछले 2-2.5 साल से बताते आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, किसी भी प्रकार के वार्ट्स हो रहे हैं, वार्ट्स के ऊपर मैं आपको 5 मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। आज 5 टॉप मोस्ट 5 मेडिसिन बता रहा हूँ। चलिए बिना देरी करे हुए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है, सबको पता है, मैगजीन जो होम्योपैथी खाने वाले हैं सबको पता है कि होम्योपैथी में अगर वार्ट्स हो रहे हैं, मस्से हो रहे हैं, तो होम्योपैथिक में मेन मेडिसिन है थूजा। अब थूजा मेडिसिन वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो कैसे लेनी चाहिए और किन मस्सों के लिए लेनी चाहिए वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर फूल गोभी की तरह खुले हुए मस्से हों, जो खुले हुए मस्से होते हैं, फूल गोभी तरह खुले हुए होते हैं, जिनका मुँह आगे से छितरा हो, ऐसे हैं, तो उसके लिए थूजा मेडिसिन बहुत बढ़िया है। मैं आपको थूजा 200 का को प्रिस्क्राइब करूंगा, थूजा 200 भी लीजिएगा, 2 बूंदें एक बार लीजिएगा रोज डेली लेंगे तो खुले हुए जो मस्से हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। अगले जो मस्से होते हैं वो मेडिसिन होते हैं पानी भरे हुए मस्से, गोल मस्से होते हैं परंतु पानी भरे टाइप के मस्से होते हैं, जिसमें वो जैसे अंदर लिक्विड भर गया हो, ऐसे अगर मस्से हो रहे हैं तो उसके लिए एंटीक्रूट ले सकते हैं। वही 200 पावर में 5 बूंद एक बार 15 दिन तक लगातार लेंगे तो मेरा मानना है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, और थोड़े दिन लगातार 15 दिन लेने के बाद 15 दिन गैप कर लेंगे, अगर नहीं ठीक होते दोबारा फिर ले सकते हैं एंटीक्रूट। तीसरे मस्से होते हैं न्यूक्लियर टाइप के, पतले पतले न्यूक्लियर टाइप के मस्से हो जाते हैं, जैसे मस्से हुए उसमें न्यूक्लियर टाइप का, जैसे कील जैसे मस्से हो जाते हैं, ऊपर से उसका मुंह जो है न्यूक्लियर टाइप का होता है, उसके लिए एसिडाइटिक, बहुत से रिजल्ट है एसिडाइटिक के, एसिडाइटिक अगर ऐसे मस्से हो रहे हो कहीं भी हो रहे हो, ज्यादातर ऐसे मस्से फेस में भी होते हैं और गर्दन में भी जाते हैं और साइड में भी होते हैं, कई बार जो मलद्वार है उसमें भी इस टाइप के मस्से होते हैं, उसमें भी कहीं भी मस्से हो रहे हो तो उसके लिए एसिडाइटिक 200 पावर में 5 बूंद एक बार लीजिएगा लगातार 15 दिन तक, फिर 15 दिन में ठीक नहीं होते तो 15 दिन गैप करके फिर 15 दिन दे सकते हैं। अगले मस्से होते हैं फ्लैट मस्से, अगर चिपके हुए मस्से हो रहे हैं, खाल में चिपके हुए टाइप के मस्से हो रहे हैं, खाल जैसे मस्से हो रहे हैं, चिपके हुए मस्से हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सी मेडिसिन है कास्टिकम 200 पावर में का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी भी मेडिसिन से कहीं भी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे तो साइटिको करके मेडिसिन आती है, साइटिको को करके मेडिसिन आती है, इसका प्रयोग करेंगे तो हर प्रकार के मस्से के लिए गए साइटिको को बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसकी 30 पावर में सेवन करेंगे, 2 बूंदें सवेरे, 2 बूंदें दिन में, 2 बूंदें शाम को, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट करेंगे। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।